नमस्कार, वेलकम टू संजीव हॉस्पिटल टीम मैनेजमेंट चैनल। आज का जो टॉपिक है वो ग्लास क्लीन के ऊपर है। हम लोग ग्लास क्लीन डिटेल में बताएंगे, हम लोग क्या टूल्स यूज़ करते हैं, केमिकल्स क्या यूज़ करते हैं, अर्थ के किस तरह से ग्लास क्लीन करना है, और डस्टर कौन सा यूज़ करते हैं। चलिए आज ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ग्लास क्लीनिंग ट्रेनिंग है वो ग्लास क्लीनिंग के ऊपर है। तो ग्लास क्लीनिंग का ट्रेनिंग के लिए आपको कुछ सामान का रिक्वायरमेंट है। एक तो आपको क्या बोलते हैं इसको, एफिलेटर या एप्लीकेटर? एप्लीकेटर है, एप्लीकेटर है, ठीक है। एप्लीकेटर से आपको जरूरत पड़ेगा। क्या बोलते हैं इसको, हैंड स्क्वीजर, राइट। इसके अंदर रबर यूज होता है, जब आपका रबर का ब्लेड खराब हो जाए तो आपको चेंज करना पड़ता है, राइट। और माइक्रोफाइबर डस्टर, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक स्प्रे कैन लेते हैं, इसमें क्या यूज़ करते हैं, R3। ओके, R3 केमिकल यूज़ करते हैं। अगर R3 नहीं है तो आप पॉलिन वो भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्लास क्लीन करना तो आसान है, लेकिन आसान है ना ग्लास क्लीन करना, या टफ है? क्या आसान है? न्यूज़पेपर ले लिया और सीधा न्यूज़पेपर से साफ कर लिया, है ना, हो गया ना ग्लास क्लीनिंग। तो ग्लास क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो टफ है, क्योंकि ग्लास क्लीनिंग का ये जो केमिकल है R3, इसका सबको पता है क्या चीज़ है, क्या इश्यूज है इसमें, है नहीं मालूम? ये केमिकल आप जब ग्लास पर लगा देते हो, ये उड़ता नहीं है, ग्लास एक स्टेन छोड़ता है ग्लास के ऊपर, अगर आप फास्ट नहीं हो तो ड्राई हो जाता है, अगर समर का सीजन। तो आपकी ये भी वैसे ही चलनी चाहिए और ये भी उतनी स्पीड में चलनी चाहिए। सो टीम लीडर दीपंकर, ग्लास एक्सपर्ट, हमारा जो सबसे ज़्यादा ग्लास एक्सपर्ट है, सो ही विल गिव यू द डेमोंस्ट्रेशन। सो दीपंकर, इट्स योर बेबी, जस्ट टीच ईच एंड एवरीथिंग, किस तरह से अप्लाई करना है। तो आपको डिटेल में इसको देखना है, ठीक है। स्प्रे कैंस कैसे इशू होते हैं, ठीक है। क्योंकि R3 ऑलरेडी दीपंकर ने यहाँ पे डाल के मिक्स कर चुका है, सो R3 इज़ ऑलरेडी डाइल्यूटेड, आपके ये रिंगल ट्रॉली में डाल चुका है। सो देखिए किस तरह से वो अप्लाई कर रहा है। देखिए वो स्लोली कैसे यूज कर, जो नया है जिसको अभी ग्लास क्लीनिंग का उतना नॉलेज नहीं है तो उनको इस हिसाब से आपको ग्लास क्लीन करना, ठीक है। कोई ट्रेन पकड़ना नहीं है, स्लोली आपको। देखिए एक एक हिस्से को लिया, एक हिस्से को और लिया, देखा वो ये पार्ट खत्म हो गया, वो दूसरा पार्ट को कवर कर रहा है। तो आपको एक पार्ट ले, जैसे एक हिस्से को लिया उसके बाद एक पार्ट को लिया, राइट। और वो जैसे जैसे वो क्लीन करता जा रहा है उसको पोंछ रहा है। उसको पोंछने के पीछे रीजन है कि आपका जो केमिकल है वो आपके उसके ऊपर में स्टिक हो जाता है, हैंड वाइपर के ऊपर में, रबर के ऊपर में स्टिक हो जाता है। उससे क्या होगा, फिर से आप खींचोगे तो आपका लाइनिंग बैठेगा, तो इसीलिए वो माइक्रोफाइबर डस्टर से वो पूरी, आप देखिए इसको वाइप करेगा, वो क्लीन किया। कोई कन्फ्यूजन अभी तक? सब लोग कर सकते हैं ग्लास क्लीनिंग, हाँ, कोई कन्फ्यूजन? तो यही था ग्लास का शॉर्ट वीडियो। आप जितना ये इसके ऊपर में, हैंड वाइपर के ऊपर में जब आप खींचते हो, जब आप जितना यूज करते हो, सो दैट क्या होता है, इसके ऊपर जो वेटनेस बैठता है, डस्ट जो बैठता है वो आप क्लियर कर लेते हो, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, फिर से आपका लाइन कंटिन्यू, फिर से लाइन आएगा। उससे करना या ना करना एक ही हो जाता है। सो किसी को कोई कन्फ्यूजन है? रबर भी खराब होने की चांस हो सकता है। यह था ग्लास क्लीनिंग का वीडियो, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।